स्थान ऊंची है बीआरएस के इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल, और यहाँ पर दुष्यंत चौटाला का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था सुरेश गुप्ता जी के द्वारा। यूँ तो कहा जाता है गुप्ता जी राजनीति से बहुत दूर रहते थे, लेकिन आज एक भव्य आयोजन करके उन्होंने राजनीति में एक दस्तक दे दिया। यूँ कहा जाए कि एलजी उनकी तकरीबन आज से हो गई है विधिवत। और आगे ज्यादा विलम्ब न करते हुए बात कराना चाहूँगा सुरेश गुप्ता सर, सबसे पहले मैं स्वागत करूँगा पेंशन जी के खास गुप्ता जी दुष्यंत चौटाला को आज आपने बुलाया एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन है। अगर मैं थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाऊँ तो अशोक नगर कांग्रेस के साथ भी नजदीकी आपकी रही है, बहुत प्रेम आपका रहा है, काफ़ी बार चाय पे आपने को बुलाया, काफ़ी उनके कार्यक्रमों में आप उपस्थिति दर्ज कराते हैं, क्या कहना चाहेंगे अशोक नगर से यूपीओ की? मेरे हर हर नेता मेरे पसंद संबंध है और नहीं है। यहाँ बात करते संबंधों से आगे बढ़ रही है। आज आपने दुष्यंत चौटाला का मंच साझा किया और बिल्कुल छाती ठोक के आपने कहा है कि आज के बाद से सारा वक्त और सारा आपका ध्यान दुष्यंत चौटाला के लिए, तो ये कोरिलेशन से कुछ आगे है महत्वाकांक्षा झलकती है राजनीतिक आपकी। ये सच है, खुली स्टेज में राजनीति खुले रूप से किया, तो क्या अब उम्मीद की जाए जैसे आप किसी भी पार्टी का झंडा नहीं लगाते थे, कल से जे जे पी का झंडा आपकी गाड़ी पे आपके ऑफिस पे हर जगह पर होगा? ये पार्टी के झंडे ये खड़े जानना चाहूँगा आपसे क्या वजह है, कौन सी नीतियाँ जेजेपी दुष्यंत जी लगा या एक व्यक्ति विशेष के कारण आप पार्टी में आए हैं, तो मैं पूरा विस्तार से जानना चाहूँगा। मुझे चौधरी देवीलाल के बाद दुष्यंत चौटाला वही छवि दिखाई देती है कि ये आदमी एक बात एक जात की राजनीति नहीं, ये लड़का कौन हर लड़का है, सभी राष्ट्रीय से ऊपर उठ के राजनीति, और मुझे लगता है कि ये बहुत जल्दी राजनीति में छा जाएगा और हरियाणा का मुख्यमंत्री बड़ी जल्दी। तो चढ़ते सूरज को सलाम जैसे कहा जाता है, आपने भी उसी को। अब मैं कहना चाहूँगा कि दुष्यंत चौटाला युवाओं की पसंद है, आपने भी उसे पसंद किया, आपका सहयोग किया है पूरा जसपुर एसोसिएशन में सब के लोग, क्या वो एकजुट हो गए आपके साथ खड़ी है? तो आपने पूरा मन बना दिया, अब आप नेक्स्ट स्टेप नहीं लेने वाले? मैं जहाँ तक मैंने मेरा जीवन है मैं जो शब्द कही करता हूँ। क्या आप किसी तरह के टिकट के लिए चाहत है आपकी, या कोई पद भी आप चाहेंगे, या फिर निस्वार्थ भाव से पार्टी की सेवा करना चाहेंगे? किसी चीज की बात जब आप राजनीति में आते हैं, राजनीति में आने की बात मैं ये चाहूँगा तो मैं इस पॉलिटिकल कैसे समाज की सेवा और समाज की सेवा कैसे करूं, मैं अपने पूरे दिल और दिमाग से भ्रष्ट राजनीति से दूर हूं और परमात्मा की इच्छा होगी जो वो चाहेंगे। अब मैं चाहूँगा टीवी के माध्यम से अपने सफेदों हल्के की जनता या प्रदेश की जनता को क्या संदेश आप देना चाहेंगे? मेरा संदेश ये है कि जो आदमी कोई भी पॉलिटिक्स जो जात पात की राजनीति करते हैं, बड़े तो ब्राह्मण से जात को किसी से जो एक दूसरे का क्लेश पैदा करती है, आम समाज को उस राजनीतिक पार्टी से दूर रहना चाहिए।
बहुत बहुत धन्यवाद कल्चर टीम से बात करने। तो ये थे सुरेश गुप्ता जी जिन्होंने चिर परिचित अंदाज में अपनी बात कही, क्योंकि इसी स्वभाव के लिए वो जाने जाते हैं, जिनके साथ वो खड़े हुए सो खड़े हुए तो अड़े हुए थे। तो ये बिल्कुल ऐसे ही हैं और ये शायद दुष्यंत चौटाला के साथ जेजेपी के साथ एक लंबे अरसे तक रहने वाले हैं, उसको मजबूत करने के लिए शायद वो अपना पूरा दम लगा देंगे। और उन्होंने बिल्कुल साफ शब्दों में कहा कि पद की कोई इच्छा या लालसा उन्हें नहीं है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा पद की इच्छा नहीं है या कोई महत्वाकांक्षा वो पाले हुए जेजेपी में आए हैं। क्योंकि हो सकता है कि जो इनके पुराने संपर्क थे कि वो जेजेपी के साथ बने रहेंगे या पाला बदलते हैं। तो बने रहिएगा हर तरह की खबरों के लिए कंचन टीवी के साथ। मैं यशपाल।